भीलवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्पेशल टीम ने सोमवार को जिले के डिकोला ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ग्राम विकास अधिकारी ने यह रिश्वत प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत किश्तों का भुगतान करने के एवज में मांगी थी। एसीबी की टीम ग्राम विकास अधिकारी से पूछताछ कर रही है। एसीबी स्पेशल टीम के एएसपी ब्रजराज सिंह चारण ने कहा कि ढिकोला ग्राम निवासी परिवादी ने एक रिपोर्ट पेश की कि उसकी बड़ी मां के प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत रुपयों की किश्त जारी करने की एवज में ग्राम विकास अधिकारी बन्नालाल रेगर 4,000 रुपए की मांग कर रहा है। परिवादी ने पूर्व में ही उसे 500 रुपए दे दिए हैं। जब इस परिवाद का सत्यापन करवाया तो उस समय बन्नालाल ने 1,000 रुपए परिवादी से और ले लिए। इसके बाद शेष 2,500 रुपए सोमवार को देना तय हुआ। इस पर सोमवार को हमने ग्राम विकास अधिकारी को 2,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। प्रार्थी की बड़ी माँ के प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान स्वीकृत हुआ था, उस मकान के जो राशि है वो सारी स्वीकृत हो चुकी है और जारी भी हो चुकी है। उसके एवज में प्रतिफल के रूप में ग्राम विकास अधिकारी ढिकोला श्री बन्नालाल रेगर उससे 4,000 रुपये की मांग कर रहा है। उक्त रिपोर्ट का सत्यापन दिनांक 14/6 को कराया गया और सत्यापन सही पाए जाने पर आज प्रेम कार्रवाई आयोजित की गई है, जिसमें आरोपी से 2,500 रुपये की रिश्वत राशि बरामद हुई है। कार्रवाई जारी है।